हाय स्टूडेंट्स, सो आपके बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हैं एंड ये टाइम है जब आपको लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजीज यूज करनी है टू गेट सक्सेसफुल। एंड आज हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं पवन राय सर, जो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और थ्रू क्लासेस में उनका एनसीआर में काफी नाम है। सो स्ट्रेटजीज किस लिए इम्पॉर्टेंट हैं? स्ट्रेटजीज पूरा साल आप पढ़ाई करते हैं, लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजीज जैसे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना, इस तरीके की बहुत सारी टिप्स हैं जो आज पवन सर हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक बार हम पवन सर को वेलकम कर देते हैं। वेलकम टू एजुकेशन व्यू 360 पवन सर। नमस्ते मैम, और सबसे पहले तो मैं आपको और आपके इस प्लेटफॉर्म एजुकेशन 360 व्यू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बच्चों से जुड़ने का आपके माध्यम से मुझे मौका मिले। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा कि अगर मेरा दिया हुआ आज एग्जाम टिप्स बच्चों के एग्जाम में उनको हेल्प कर पाए। सर, आज हम बेसिकली केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जी मैम, राइट सर। आज हम केवल और केवल केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं और फोकस भी केवल इस पे होने वाला है कि जो बोर्ड एग्जाम हमारा है उस बोर्ड एग्जाम को लेके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चों को छोड़ के नहीं जा रहे, और वो बिल्कुल बच्चे अगर कर लेते हैं तो मैंने बच्चों के लिए अपने इस वीडियो में वो बल्कि स्पेशली टॉपिक और क्वेश्चन मार्क किया है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि ये पढ़ो ऐसे पढ़ो, लेकिन वो क्वेश्चन वो एरिया नहीं पता होता है जहां पे बच्चों को टच करना होता है। तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग इस चीज को खास ध्यान देने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक ऐसा है जिस जो आपके लिए काफी स्कोरिंग होने वाला है। बच्चों, केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, केवल और केवल थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस, थोड़े थोड़े आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं और थोड़ी थोड़ी आपको थ्योरी पढ़नी है। अब देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपने अपने जिस भी टीचर से पूरे साल पढ़ाई की है आप उनके नोट्स को जरूर फॉलो करें। नोट्स फॉलो करने से क्या होता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आप कम से कम 3 दिन के अंदर आप पूरा नोट्स एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। नोट्स रिवाइज करने के साथ साथ अक्सर मैम गलतियां बच्चे करते हैं कि वो तुरंत सैंपल पेपर लगाना शुरू करते हैं। मैं उन बच्चों से एक बात गारंटी के साथ कहता हूं कि जब भी बोर्ड एग्जाम बनता है तो आज तक का रिकॉर्ड है एनसीईआरटी से बाहर ना कुछ पूछने की जरूरत पड़ती है और ना कुछ पूछा जाता है। अब बच्चे क्या होते हैं, वो बहुत सारे सैंपल पेपर पर फोकस रहते हैं। लेकिन बच्चों, आपको मैं चैप्टर वाइज बता देता हूं कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों आपको फर्स्ट ऑर्डर के जो कॉन्सेप्ट है ना, फर्स्ट ऑर्डर वाला, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल 100% जाना है। और एक होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर आपने ये दो छोटे छोटे टॉपिक कर लिए ना तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन 100% है। उसके बाद मैं बात करता हूं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स का ये वो फॉर्मूला है K=2.3/T ln r0/r। बच्चों, मैं स्पेशली इस वीडियो में बता रहा हूं कि आपको इसका बेनिफिट हो। इस फॉर्मूले के ऊपर अगर आप न्यूमेरिकल कर लेते हो तो आपके 3 नंबर तो आपके कंफर्म हो गए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी का वो न्यूमेरिकल जो हर एक बच्चे को, जो बच्चा 99% स्कोर करने के लिए पढ़ता है और जो बच्चा 60% के लिए, उन दोनों बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 11, 9, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ये इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात बताऊं, आप बच्चों इसको प्रैक्टिस करके जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर होता है कि हम सॉल्व किए बिना चले जाते हैं और वहां पे जाके हमें प्रॉब्लम महसूस होता है। तो मैं यही चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे जब
आपको एग्जाम के लिए गाइड किया ही जा रहा है, टिप्स दिया ही जा रहा है, तो क्यों ना इस तरीके से अलग हम अलग तरीके से दे रहे हैं। यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 मार्क्स की न्यूमेरिकल 100% है। सबसे पहले आपके पास फैराडे लॉ है। फैराडे लॉ का मतलब है कि जो भी वेट डिपोजिट होता है, वेट इक्विवेलेंट वेट फैराडे आई इंटू टी, क्योंकि बच्चों आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जुड़े हो तो आप मैं टर्म समझ रहे होंगे, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल हो आपके साथ। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, बेटा 100% नष्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आईआईटी हो, नीट हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, इस टॉपिक पे 100% आता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग इसको नोट करते रहो, प्लीज नोट करते रहो, ठीक है, जल्दी जल्दी। और ये कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू 1/r × g*, जहां से हम सेल कॉन्स्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा इज इक्वल टू k × 1000/molarity, जहां पे आपको न्यूमेरिकल कहीं दूर नहीं जाने, केवल एनसीईआरटी का इंडेक्स और एग्जांपल सॉल्व करना है। अच्छा लीजिए, साफ कहोगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन करने हैं, 3.8, 3.9, 3.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। देखो मैंने मेंशन भी कर रखा है बिल्कुल कायदे से कि आपको दिक्कत आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है, न्यूमेरिकल हम अब आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, दो चैप्टर है पेपर, उसमें है 3.1, 3.15, ये एनसीईआरटी एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद हम आते हैं कि बच्चे कहते हैं कि सर हमें कौन कौन से और क्वेश्चन लगाने चाहिए, क्योंकि सर ये इन्हीं क्वेश्चन से काम नहीं चलता है। 3.1, 3.3, 3.8, 3.9 सबके सब एनसीईआरटी रेफरेंस है। इंडेक्स में 3.5, 3.4, 3.6 ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स में कुछ थ्योरी भी है, क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो कुछ थ्योरी भी होती है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों तुम्हें टॉप करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद है एक्सप्लेन हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यूनिट ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रहा केमिकल काइनेटिक की बात। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थ्योरी जो है बच्चों, आप इसको नोट करते रहना, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन कॉर्नोस लॉ, एक्सप्लेन फैराडे लॉ, एक्सप्लेन मोलर कंडक्टिविटी एंड द ग्राफ। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्राफ थ्योरी न्यूमेरिकल एसेलेरेशन रीजन सबसे बड़ा पड़ा है, तो सारे को सारे एरिया पे आपको फोकस करना है। ये सरफेस एरिया के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, जैसे आपको फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन, आपको फ्रेंडलिस्ट एडजॉर्प्शन के बीच में ग्राफ, आपको प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन। उसके बाद आपको हार्डेस्ट सोल्जर रूल, हार्डेस्ट सोल्जर रूल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एकदम छोटा सा टॉपिक है और 2 नंबर आपको देख ही जाएगा। बच्चों अक्सर हमेशा होता है ना कि हम कुछ चीजें लिखवा दे रहे ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बोलने से चीजें याद नहीं रहती, मुझे भी पता है। आप देख लो एनसीईआरटी का 5.8, 5.12, 5.11, 5.14, 5.27 ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ओके। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, आपको सारे एनसीईआरटी के इंडेक्स और एक्सरसाइज अच्छे से करके जाना है। डी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है मैम जो अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या बहुत टफ है, कैसे पढ़े, क्या करें। तो आज जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़े हैं उन बच्चों के लिए बिल्कुल यूनिक बात बता रहा हूँ कि बेटा केवल और केवल एनसीईआरटी से ही करके जाना है, और वो भी इंटेक्स और एग्जाम्पल, उसके अलावा आज तक का रिकॉर्ड है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया। ये आप बच्चे 8.1, 8.2, 8.3, 8.36, 8.7, 8.38 ये वो क्वेश्चन है जो आपको 100% कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा पहले बोर्ड में बहुत ज्यादा आता था, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज और थोड़ी सी चीज पूछी जा रही है। उसमें आपको वार्नर थ्योरी है उसके ऊपर क्वेश्चन, एक्सप्लेन एम्बिडेंट एंड हेक्साडेंट लिगेंड,
आईपीएससी नेमिंग आपको एनसीईआरटी से करना है 9.2 9.3 इंडेक्स 9.1 9.2। और बेटा ये तो आप लोग, मैं बता दूं 100% गारंटी है कि जो पीवीटी का क्वेश्चन 3 नंबर का आता है बेटा, जो आपके पीवीटी के क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं वो इस टॉपिक से बाहर नहीं आ सकते। COF6 NiCO4 NiCN4 और FeCN6। एक बात और कहूंगा, ये आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। ये मत सोचना कि मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया तो मैं दबा के रखूं, ऐसा मत करना बेटा। क्योंकि हमारे जो इस वीडियो है ना, इसको आपको पूरे इंडिया, पूरे जहां जहां तक दे सकते हो वहां वहां तक देना बेटा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्यों मैम, सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल ऐसा है। ओके थैंक यू मैम। देखो मैम भी मुझे सपोर्ट के लिए बता रही है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। देखो ये हम लोगों को ना, जैसे जितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं बच्चों, उनको इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं होती। मैं आपको बताऊं, याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में फिर आपको कहीं देखना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप से करोगे, अपने आप से। ये एंट्रेंस क्वेश्चन देख लो, ये 9.5 9.6 9.7 9.8 सामने क्या लिखा है, वन क्वेश्चन फिक्स। जब आप ये क्वेश्चन करके आओगे ना, फिक्स क्वेश्चन आ जाएगा, तो हमें आगे कमेंट करके जरूर बताना कि सर आया जरूर था। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 9.13 9.2 9.6 9.16 9.26 एंड 9.13, ठीक है बेटा। बात ये हमने जो की है ना, इस बार केमिस्ट्री में दो बुकें आ रही है हमारी, टर्म वन और टर्म टू की वजह से। तो उसमें अभी तक बात थी केवल और केवल फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अक्सर ये होता है मैम कि बच्चों को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बहुत मुश्किल है। मैं उन बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, रिएक्शंस को लिख के उनकी मैकेनिज्म समझना, आपको अपने आप उन रिएक्शन से प्यार हो जाएगा और आपको चीजें याद भी आएंगी। अब बच्चा कहेगा सर बहुत कम टाइम है यार, हम मैं इस समय क्या करूं? लो भैया क्या करना है, ये रिएक्शन सारी याद कर लो। और क्या ओल्ड किस्मर इटार रोजरमुंड एंडोल कैनिजारो डीएलपी टेस्ट एचपीजेड रिएक्शन, इनसे बाहर नहीं आ रहा है। अगर आपने ये रिएक्शन, अब बताओ 20 रिएक्शन में से मैंने आपको 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता दी, जिसे अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो, जब एग्जाम में आएगा तो आप दिल से हमारे हमारे चैनल को, मुझे, मैम को, सबको थैंक्स बोलते हुए नजर आओगे एग्जाम देने के बाद। तो ये वो रिएक्शन है जो आपको कर लेने हैं। उसके बाद जानते हो एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन आता है, लोगों को कहते सुना होगा ना, वही है 12.2 12.3 12.2 12.4 12.5। This is the NCERT example and index. ये हमें example index की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? NCERT index में देखो 12.2, 12.5, 12.4, 12.8 और ये NCERT exercise में आपको मात्र 2 से 4 क्वेश्चन करने हैं, 12.10, 12.1, 12.11, 12.17, 12.19, 12.20। ये 12 point से confused तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि NCERT का chapter number 12 है और उसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर स्पेशली मेंशन किया गया है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है बताओ? तुम्हारी सारी भागम दौड़ खत्म हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा खत्म हो रही है भैया। 2 मिनट का टाइम दे देना। इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन से हैं? टॉलरेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट है, इनसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों एल्डिहाइड रिस्पॉन्ड करता है कि कौन रिस्पॉन्ड नहीं करता। अमाइन लास्ट चैप्टर है, अब लास्ट चैप्टर होगा अमाइंस में आपको सारी की सारी नेम रिएक्शन अच्छे से याद करनी है। हॉफमैन ब्रोमाइड, गैब्रियल थैलामाइड, कार्डियल नेम रिएक्शन, डाई डेटोटाइजेशन, हिंसबर्ग टेस्ट, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन एंड सल्फोनेशन, ये वो रिएक्शन है बेटा दुनिया का कोई भी टीचर आपको इंपॉर्टेंट बता सकता है, बट मेरे बच्चों आपको लिख के जाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, 2 मार्क्स बिल्कुल फिक्स है, 100% प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना। व्हाई एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी फॉर्म बाय द थैलामाइड, ये एनसीईआरटी के अंदर का क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, क्योंकि बच्चों के लिए जब कुछ करो ना तो जितना होता है उतना कमी होता है, ठीक है। आगे देखो बच्चों,
ये लास्ट टॉपिक है, व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। बहुत बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होता है, एक मिनट अगर समय हो तो बता दूं, क्योंकि जो एनिलियम आयन होता है वो लुईस बेसिक होता है और जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है वो लुईस क्या होता है, वो एसिड होता है, तो दोनों रिएक्ट कर जाते हैं इसलिए रिएक्शन नहीं होता। एनसीईआरटी साइज ने 13.4, 13.10, 13.5, 13.11, 13.7, 13.14, 13.9। आप बच्चों को लग रहा होगा कितना ज्यादा बता रहे सर, बेटा बस दैट्स इट, बस इतना ही था। ये जो मैंने बच्चों को दिया है ना, ये बच्चों के लिए ना बिल्कुल संजीवनी बूटी है जो इस एग्जाम टाइम में जरूरत है। थैंक यू पवन सर, आपने एक बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह बहुत डिटेल्ड एनालिसिस दिया। आई विश अगर हमारे केमिस्ट्री टीचर भी ऐसा बताते तो मैं श्योर 100% मार्क्स लेकर आती। थैंक यू, एंड फॉर द स्टूडेंट्स आप प्लीज इसको पूरा समझें, जो सर ने इतना एनालिसिस दिया है, आपको एक्सट्रैक्ट दे दिया है, एंड आई एम श्योर इतना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं से शायद नहीं मिलेगा। तो उन्हीं क्वेश्चंस पर, उन्हीं एक्सरसाइजेस पर, उन्हीं इंडेक्स पर अगर आप फोकस करेंगे तो यू आर गोइंग टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग द वीडियो सो दैट अदर चिल्ड्रन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सर।